प्लीज़ ब्लेस माई चाइल्ड, किसी और को बोलने की क्या ज़रूरत है? आपकी हर थॉट कैन बी अ ब्लेसिंग फॉर योर चाइल्ड। वो तो एक ही थॉट देंगे ना ब्लेसिंग, आप तो 24 आवर्स उसको ब्लेसिंग दे सकते हो। तो अगर गलत होते हुए दिखाई दिया और तो भी सही थॉट क्रिएट कर ली तो डेस्टिनी बदल जाएगी। और सब कुछ ठीक चल रहा है, बस ऐसे ही चिंता करते रहे, तो फिर तो अच्छी चलती हुई डेस्टिनी में भी नेगेटिव वाइब्रेशंस आ जाएगा। इज इट नॉर्मल टू वरी? नॉर्मल टू वरी? चिंता करते रहते हैं, क्या होगा मेरे बच्चे का, क्या होगा मेरी बेटी का, क्या होगा 5 साल बाद, क्या होगा 20 साल बाद, क्या होगा, कुछ होगा बेकिन नहीं होगा। एक एक थॉट उसकी डेस्टिनी में इंटरवीन कर रही है। एक ही थॉट क्रिएट करो, इनके साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छा हो नहीं, अच्छा हो नहीं, अच्छा हो इज ऑल्सो होपफुल। ये अपने जीवन का मंत्र बना लो, वरी खत्म हो जाएगी। टीच योर माइंड टू थिंक राइट, टीच योर माइंड टू क्रिएट एवरी थॉट एंड वर्ड एज अ ब्लेसिंग। थिंक एंड स्पीक ओनली प्योरिटी पावर लव एंड ब्लेसिंग्स, डेस्टिनी विल चेंज। अब अगर आपने इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी, फिर भी मैं गिर गई, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे? आपकी ब्लेसिंग्स क्रिएट करने की वजह से आपकी मन की स्थिति इतनी स्टेबल थी कि मेरे गिरने के बाद भी आप अपसेट नहीं हुए और आपने फटाफट उठा लिया ऐसे। लेकिन आप अगर ऐसे हो जाते वरी, फियर और एंग्जाइटी में, तो जब मैं गिरती तो सबसे पहले तो आप वहाँ के मुझे बोलते, तुमको बोला था ना नहीं गिरने का, बोला था ना, नेक्स्ट टाइम यू लिसन टू मी बिकॉज आई नो वॉट इज राइट फॉर यू। वी कैन नेवर एवर गो टू अनदर सोल एंड से आई नो वॉट इज राइट फॉर यू। You can go to the soul and say, if I would have been in your place, I would have done it this way. But you cannot intervene in the karmic account of another soul. Apni capacity se raay deke, dusron ke karmic account mein interfere nahin kar sakte. Nahin kar sakte. Kyunki kabhi kabhi hamari advice unke liye wrong prove ho jayegi. Kyunki humne advice kiske through di? अपने संस्कार के थ्रू। इम्प्लीमेंट किसने करना है? उन्होंने करना है, बहुत ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि वी आर इंटरवर्निंग इन देयर कार्मिक अकाउंट। सो हु इज माई चाइल्ड? सोल ऑन अ जर्नी। यू वॉन्ट टू एम्पावर योर चिल्ड्रन, यू वॉन्ट टू एम्पावर योर चिल्ड्रन, देन स्टार्ट एम्पावरिंग योर सेल्फ। यू वॉन्ट टू एम्पावर योर चिल्ड्रन मोर, स्टार्ट कुकिंग फॉर देम। Ready? Cook for your children? Ready to cook for your children? Ready to cook for your children? Ready to cook for your children? हाँ जी, कुकिंग नहीं आती है, सीख लेंगे? अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, खाना बनाना नहीं सीख सकते क्या? यू नो, हम सब अभी जितने भी इमोशनली जितने भी स्ट्रांग हैं, इट इज़ बिकॉज हमारी मम्मीज ने हमारे लिए खाना कुक किया था। नो, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वो जब खाना बना रही थी वो उसमें क्या भर रही थी। सो हमारी नरिशमेंट, इसलिए उनको बार बार बोलना नहीं पड़ता था आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, क्योंकि वो प्यार तो कूट कूट के भरा ही जा रहा था ना हर चीज़ के अंदर, एंड वो हमें मिलता जाता था और आत्मा एम्पावर होती जा रही थी। देयर वॉज नथिंग इन द डूइंग हैपनिंग, कुछ भी नहीं हो रहा था, लाइफ कितनी सिंपल थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, फोन्स नहीं थे, कम्युनिकेशन नहीं थी, रिश्ते इतने अच्छे थे। क्यों? क्योंकि वी वर वर्किंग ऑन द वाइब्रेशन, वी वर वर्किंग ऑन द कोर। अब हम कह रहे हैं खाना बनाने का टाइम ही नहीं है हमारे पास उनके लिए। हाँ, आई हेट कुकिंग, नो,
इवन आई हेट कुकिंग बट स्टिल आई कुक माई सेल्फ बिकॉज आई नो द पावर ऑफ वॉट इट गिव्स टू मी. आई मे नॉट लाइक समथिंग, आई मे नॉट इन्जॉय डूइंग समथिंग, बट दैट डज नॉट मीन आई गो एंड डू समथिंग विच इज डैमेजिंग फॉर मी. जैसा अन्न वैसा मन, दिस इज प्योर साइंस. ये साइंस है कि जो आपके लिए खाना बना रहा है उसकी मन की स्थिति का डायरेक्ट इफेक्ट आपके मन पर है. अब आप देखें कि आप अपने बच्चों के मन पर किसके किसके मन की स्थिति का असर डालना चाहते हैं, उनकी बॉन्डिंग आपसे कैसे होगी, कैसे होगी. द वे टू अ मैन्स हार्ट इज, सुना था ना ये लाइन, व्हाट डिड इट मीन, द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू स्टमक का मीनिंग क्या है. मीनिंग है इफ यू कुक फॉर दैट पर्सन ही लव्स यू वेरी मच इफ यू कुक फॉर हिम. इट एक्चुअली मीन्स इफ यू कुक फॉर द पर्सन योर माइंड गेट्स कनेक्टेड टू द माइंड ऑफ द पर्सन हु इज ईटिंग दैट फूड. सो इफ यू कुक फॉर योर चिल्ड्रेन, इफ यू कुक फॉर योर चिल्ड्रेन they get connected to you. But if they are eating out more often, they get connected to money, because that food is being cooked for money, profit. And इसीलिए आज अगर आप देखें, अपने घरों में देखें, रिश्तों से ज्यादा पैसा जरूरी हो चुका है. हो चुका है कि नहीं? घर में झगड़ा कर रहे हैं हम पैसों के ऊपर. क्यों? Because I've eaten food which was cooked with the intention of money, in the remembrance of money. आप खाओ. अब यहाँ जो आपको ये खाना खिला रहे हैं, नहीं, अल्टीमेट सिंपल कैलकुलेशन है. वो पूरा कैलकुलेट किया होगा उन्होंने खाना खाना किया. तो what is the energy in that food? You eat, I earn. Money, 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 money. अब आप यहाँ से उठो, कोई मंदिर गुरुद्वारे जाओ, वहाँ भी वो खाना खिलाएंगे, लेकिन इतना elaborate नहीं खिलाएंगे. लेकिन उसमें वाइब्रेशन कौन सी होगी? आप आओ, हम आपकी सेवा करें. आप आओ, हम आपको परमात्मा की याद में बना हुआ प्रसाद खिलाएं. बस ये खा लो और वो खा लो और दोनों के बाद अपने मन की स्थिति का फर्क देख लो. दिस इज वेरी वेरी साइंटिफिक. फूड इज नॉट अबाउट प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स. हम सारा दिन आजकल डाइट चार्ट बनाते हैं. मेरे बच्चे ने इतने प्रोटीन्स खाए, मेरे बच्चे ने इतने कार्बोहाइड्रेट्स खाए, मेरे बच्चे ने पीस खाया, पावर खाया, प्योरिटी खाया, प्यार खाया, ये चेक करो. हम उनके लिए क्या आधा घंटा किचन में नहीं जा सकते? नहीं, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते. खाना बनाना नहीं आता ना? नहीं आता, कोई बात नहीं. जो खाना बना रहा है बस उसके साथ बजा के खड़े हो जाओ. आप अपने मन के वाइब्रेशन उस खाने में डालते जाओ. जस्ट बी देयर अराउंड द फूड व्हाइल इट्स बीइंग कुक्ड, व्हाइल इट्स बीइंग सर्व्ड एंड व्हाइल एवरीवन इज ईटिंग इट.